अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे, खैर वैफर से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो बहुत ही मुफीद वीडियो है, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों का मौसम जैसे ही शुरू होता है तो बहुत सी खवातीन को, बच्चों को, मर्दों को, बुज़ुर्गों को एक ऐसी बीमारी लग जाती है जिसको कहते हैं हम पाँव पे, हाथों पे सोजिश, जो कि आप तस्वीर में भी दे सकते हैं। ये सोजिश क्यों होती है, ये रेडनेस क्यों होती है, हाथ पांव क्यों स्वेल होती है और ऊपर बाजू का ज़ख्म भी बन जाती है क्रिटिकल सिचुएशन में, और ये ज़्यादातर जो है वो ख़वातीन को होती हैं, बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं। बेसिकली इसका वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, ये क्यों सर्दियों में लोगों को होती है और बहुत सौ को नहीं भी होती, वो भी उसी रूटीन के साथ उनके साथ काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता। आज की जो वीडियो है ये इसको कहते हैं चिलब्लिन। चिलब्लिन ये कैसी बीमारी है जो कि विंटर सीज़न में, कूल सीज़न में, सर्दियों के मौसम में बहुत सी जो है लोगों को ये होती है। तो आज हम बात करेंगे कि इसकी वजह क्या है, उससे हम कैसे बच सकते हैं और इनका इलाज भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही 100% मुजरब दवा होगी इसकी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल हेल्थ विद मोहसिन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली जो नोटिफिकेशन आपको हर वक्त जो है वो मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को हाथों पे सर्दियों के मौसम में इन्फ्लेमेशन, सूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, यहाँ तक कि वो कहते हैं कि हम अपनी उंगलियाँ तक काट दें, पाँव की जो है वो उंगलियाँ काट दें, क्योंकि ये एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है सर्दियों के मौसम में। तो हम बात करते हैं इसकी बुनियादी वजह क्या है। तो मैं आपको बताता चलूँ, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन और फार्मासिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर इंशाल्लाह। इस तरह की हेल्थ के हवाले से, अद्वियात के हवाले से काफ़ी मेरी वीडियो जो है पहले अद्वियात जो है कि एलोपैथिक अंग्रेज़ी अद्वियात पर मुश्तमिल थी, लेकिन आज मैं सोच रहा कि दोस्तों को ऐसा टिप्स दे दूँ इस हवाले से, सर्दियों के मौसम के हवाले से, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है इसको चिलब्लिन कहते हैं, ताकि वो ये चीज़ें अपना कर जो है वो इससे बच सकें और कम्फर्टेबल फील कर सकें। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली जो अलामत आती है, हाथ पांव जो है वो स्वेल होती है, स्वेल होने के बाद रेडनेस शुरू हो जाती है जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, और उनके साथ साथ जो है वह रात के वक्त खारिश बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ तक कि इंसान जो है वो रज़ाई में लेट भी नहीं सकता, ना कोई चीज़ पहन सकता है, मतलब जलन टाइप बहुत ज़्यादा होती है, इरीटेशन और ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसको दोस्तों एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं चिलब्लिन। चिलब्लिन ऐसी इन्फ्लेमेशन होती है स्किन पर जो कि पेनफुल होती है, और ये मोस्टली जो है वह इन विंटर सीजन में बहुत से लोगों को हाथ और पाँव पे होती है, और इनके साथ साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नाक पे और कानों पे भी ये मसला जो है दरपेश आ सकता है। अब जान लेते हैं इसकी वजह क्या है। तो वजह आप लोगों को बताता चलूँ, इसकी वजह ये है कि जब हम किसी भी एक नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं, हीट वाले टेम्परेचर में रूम्स के अंदर आते हैं, हीटर वगैरह लगा के बैठे होते हैं, और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं उस मौसम से हटकर कूल्ड मौसम में निकलते हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा कूल्ड होता है, तो जब हीट टेम्परेचर से निकल कर कूल टेम्परेचर की तरफ जाते हैं तो हमारे हाथ और पाँव को एक्सपोयर जो होता है वो सर्दी से होता है, तो वहाँ पे जो सर्कुलेशन होती है वो कम होती है, वहाँ पर खून जो है वो जमना शुरू हो जाता है, और जो वेन्स होती हैं बरीक बरीक हमारी हाथों की उंगलों पे, पाँव की उंगलों पे, ये जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जब ये कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ती हैं, तो क्या ब्लड का फ्लो जो होता है वो उंगलियों पर और हाथों और पाँव की जो उंगलियाँ होती हैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से जो है वो लोगों में ये इन्फ्लेमेशन, ये इन्फेक्शन आप कह लें इसको, और ये जो है स्वेलिंग वगैरह जो है पाँव और हाथों पर आना शुरू हो जाती है। और कुछ लोग जब ये सिचुएशन को बन जाती है तो वो क्या करते हैं, बार बार अपने हाथों और पाँव को जो दोबारा फिर हीटर के आगे लगाते हैं ताकि उसको गर्म करने के लिए, जब वो ऐसा करते हैं तो इससे बजाय कि उनकी इन्फ्लेमेशन कम होता और ज़्यादा हो जाती है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन हुई होती है जब उसको सेंकते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो वो फैल जाता है, तो वो पूरे पाँव पूरे हाथों पे इस तरह की कंडीशन जो है वो हो जाती है। तो उससे क्या होता है, ना वो दस्ताने वगैरह पहन सकते हैं, ना वो सॉक्स वगैरह पहन सकते हैं, तो वो काफ़ी जो है वो मतलब के पेनफुल कंडीशन में आते हैं हमारे पास क्लिनिक पे। तो ये थी इनकी वजूहात थी, मतलब ये ज़्यादातर लोगों को हो सकता है जिनका ज़्यादातर जो है वो एक्सपायर हो डायरेक्ट जो है वो माहौल के साथ, सर्दी के साथ कह लें, कूल मौसम के साथ, उनको ये ज़्यादातर मसला दरपेश आता है। तो इसमें सबसे पहले हम एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे और इन पे आपको बताऊंगा इसका इलाज कैसे किया जाते हैं। एहतियाती तदाबीर ये होती है, जैसे ही मौसम सरमा शुरू हो उसमें आपने क्या करने हैं, सॉक्स वगैरह अच्छी क्वालिटी के पहने हैं, हाथों पे जो दस्ताने वगैरह लाजमी यूज़ करने हैं, पहनने हैं, ताकि आपका डायरेक्ट जो है एक्सपोयर जो है वो मौसम के साथ, ठंडे मौसम के साथ ना हो।
तो दूसरी ये हो सकती है कि आपने पानी जो है वो इस्तेमाल उसका ज़्यादा से ज़्यादा करना है, नीम गर्म पानी ज़्यादा करना है, और गर्म चीज़ें जो है वह कम से कम थोड़ी सी इस्तेमाल करनी है। इसके साथ साथ अगर हम अब बात करें इलाज की तरफ जाएं कि इलाज इसका कैसे किया जाए, बहुत से जो हैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी इसका इलाज करने की कोशिश करती हैं और एलोपैथिक भी इसमें एंटीहिस्टामाइन यूज़ करते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन स्टीरॉयड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथिक एक ऐसा नुस्खा, ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ रेमेडीज़ होगी जो कि 100% वर्क करके आपको 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपको बिल्कुल इसे रिलीफ दे देगी। ये जो चिल ब्लेन की इन्फ्लेमेशन होती है उंगलियों और हाथों पर, तो सबसे पहले हमने इसका इलाज करने से पहले हमने जान लेना है कि हमने सबसे पहले इसकी इलाज जो होती है अलामात को मद्देनजर रखते हुए होम्योपैथिक फिजिशियन जो होता है वो इसका इलाज करता है। तो मैं आपको ऐसी कॉम्बिनेशन अद्वियात के बारे में बताऊंगा जो आप खुद ही होम्यो फिजिशियन से बनवा सकते हैं या खुद ही आप मार्केट से इजीली आपको मिल जाएंगी। उसमें सबसे पहली अद्वियात होगी जो कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, इसमें एग्रीकस 30 में आपने लेनी है। 200 में भी यूज़ करते हैं लेकिन आप 30 में यूज़ करेंगे प्राइमरी स्टेज पर तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगी। एग्रीकस 30 आपने पावर की लेनी है, तो उसमें क्या होगी, उसमें आपने 3-3 ड्रॉप सुबह पैर शाम 1 घूंट पानी में जो है वो मिक्स करके आपने यूज़ करनी है। इसके अलावा आपने जो यूज़ करनी है रेमेडीज़ वो होगी रॉस्टॉक्स 30 जो आपकी तस्वीर में भी दिखाया जा सकता है आपको, तो ये जो है ये भी 30 में आपने लेनी है और इसके भी 3-3 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी के साथ आपने सुबह पैर शाम यूज़ करनी है। इसके अलावा पेट्रोलियम 30 लेनी है आपने, ये डॉक्टर रिकवर की भी मिल जाएगी और इसके अलावा और भी SBL होती हैं मसूद की, वो भी आपको ईजीली मिल जाएगी, जो आपके पास आसानी मिल जाए डॉक्टर रेगवैक में मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है, इसके अलावा भी मिल जाए तो वो भी काम कर जाएगी। पेट्रोलियम आपने 30 में लेनी है, ये भी आपने ऐसे ही जो है वो 3-3 कतरे सुबह पैर शाम आपने 1 घूंट पानी के मिक्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रॉस्टॉक्स होते हैं ये बेसिकली आपके डर्माटोलॉजी के इस्तेमाल में आती है, स्किन पे इन्फ्लेमेशन होना, ईचिंग्स होना और इसके अलावा जो है वैसे कंस्ट्रिक्शन होना उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ये बहुत काम करती है स्किन इन्फेक्शन पर। तो आपने रॉस्टॉक्स और पेट्रोलियम 30 में और एग्रीकस 30 ये आपने यूज़ करनी है सुबह पैर शाम। और इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं जो इसमें एग्रीकस होती है, इसके कुछ ड्रॉप्स जो आपने घर में जो आम तौर पर लोशन होते हैं या वैसे तो उसमें भी मिक्स करके आप जो है वो रात को लगा सकती हैं हाथ और पाँव पर ताकि उसको सूथने इफेक्ट और जल्दी काम करे, तो उसके अपने कुछ ड्रॉप जो है वैसे में मिक्स करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और पीने के लिए जो आपने 3-3 कतरे तीनों के जो आपने 1 घूंट पानी में मिक्स करके सुबह पैर शाम इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह अगर आप 3 से 7 दिन तक इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से ठीक हो सकते हैं 100% विदाउट साइड इफेक्ट से। अगर बच्चों को हो तो उसको भी ऐसे इस्तेमाल करवा सकते हैं, 2 साल से ज़्यादा बच्चे हैं उसको 2-2 ड्रॉप्स और बड़े हैं जो उनको 3-3 कतरे सुबह पैर शाम इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये मेरी रेमेडीज़ है होम्योपैथिक जो कि 100% मैं अपनी क्लिनिक पे अपने मरीजों को ये करवाता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका 100% रिजल्ट है और विदाउट साइड इफेक्ट आप इसे जो है वो मुस्तफीद हो सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो चिल प्लेन के बारे में, चूँकि ये पाकिस्तान में प्रिंटरसेस में बहुत से लोगों को ये दरपेश मामला आता है, तो इसके अलावा जो एहतियात जो हैं वो मैंने बता दी है, सॉक्स अच्छी मतलब के क्वालिटी के पहने अपने डेली बेसिस पर चेंज करने और दस्ताने वगैरह पहन कर रखने। इसके अलावा जो आप घर में कर सकते हैं वो है आप ये देख लें कि पानी गर्म कर लें, उसको नमक डालें और उसको जब बॉयल हो जाए उसको फिर नीम गर्म कर लें ठंडा कर लें, उसमें आप हाथ और पांव जो है वो रख सकते हैं 5 से 7 मिनट के लिए, ये भी सुबह शाम आप कर सकते हैं, इससे भी आपकी जो वेजर कंस्ट्रिक्शन होगी बहुत जल्दी डायलेशन की तरफ आ जाएगी और आपकी इन्फ्लेमेशन जो है वो ख़त्म हो सकती है। तो ये आप अगर 1 हफ्ते तक करेंगे तो आप इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ठीक हो सकते हैं। आज की वीडियो हमारी ये होगी चिल ब्लेन के बारे में, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक मुझे इजाज़त दें। अगर किसी भी मालूमात के जरिए आप पूछना चाहते हैं मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है व्हाट्सएप, तो आप इससे भी रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।